सही रास्ता आगे आता है गोल्डन टेम्पल जाने का भी, अभी डायरेक्शंस नहीं चाहिए। वैसे तो हम गूगल मैप ही फॉलो करते हैं, तो बेस्ट वही होता है कि आप वही फॉलो करो, क्योंकि रियल टाइम पे ट्रैफिक अपडेट्स या जहाँ जहाँ जाम है या रोड क्लोजर्स हैं वो अवॉइड ही, वो गूगल भी बेटर बता सकते हैं ना, तो बेटर है कि आप वही फॉलो करें। हम भी वही फॉलो करते हैं हमेशा, एंड वी ऑलवेज गेट द बेस्ट रूट्स इन द मिनिमम टाइम। चलिए फिर आगे कोई रास्ते का आता तो हम बताते हैं और आपसे मिलते हैं। ये वैसे बस स्टैंड है, ये जो है ये बस स्टैंड है, यहाँ पे आप आ सकते हैं, वेट कर सकते हैं फॉर द बस। अटारी बॉर्डर जो वाघा बॉर्डर है, वाघा बॉर्डर तो एक्चुअली पाकिस्तान का है। इंडिया की तरफ से जो नाम है वो अटारी है, इसलिए हमें बोलना अटारी बॉर्डर ही चाहिए, फिर भी गलत बोलते हैं वाघा बॉर्डर, बट इट इज अटारी बॉर्डर। वाघा बॉर्डर इज फ्रॉम द पाकिस्तान साइड। हाँ, पाकिस्तान वाले जो जगह है उसको वाघा बॉर्डर बोलते हैं, जो इंडिया वाले जगह उसको अटारी बोलते हैं। तो दैट्स आवर मिस्टेक कि हम इंडियन, मतलब जो इंडिया का बॉर्डर का नाम है हम वो नहीं देखते, हम वो नहीं बोलते, हम हमेशा पाकिस्तान के बॉर्डर का नाम लेते हैं। राइट, शायद हमें सिंपल लगता है बोलना, सिंपल नहीं एक्चुअली फेमस ही, बहुत चीज जो बहुत कॉमन है उसी नाम से ही है ना। रिकॉग्निशन शुरू से एक्चुअली इसको वाघा बॉर्डर से मिला हुआ, जो लास्ट एक्चुअली रेलवे स्टेशन है ना, जो ट्रेन चलती है यहाँ से अक्रॉस दैट जो पाकिस्तान तक जाती है, उसका लास्ट स्टेशन ही इंडिया का अटारी है रेलवे स्टेशन। तो इंडिया का लास्ट गांव कह लो या लास्ट प्लेस कह लो इज अटारी। लेट मी कन्फेस कि मैं पहली बार वाघा बॉर्डर जा रही हूँ। नहीं गए हुए आप पहले, आपको याद नहीं है, छोटे थे तो जब मैं बहुत छोटी थी तब, तब लेकिन आपने तब बीटिंग रिट्रीट नहीं देखी थी, हम सिर्फ बॉर्डर देख कर आ गए थे, आज हम सेरेमनी देखने जा रहे हैं स्पेशली, क्योंकि मैंने कहा था कि हम लोग अमृतसर इतनी बार जाते हैं लेकिन हम कभी वाघा बॉर्डर नहीं गए, क्योंकि मेरी मेमोरीज अटारी बॉर्डर नहीं गए, आई एम सॉरी, तो क्योंकि मेरी मेमोरीज में अटारी बॉर्डर से रिलेटेड कुछ नहीं है, कभी नहीं है। We are excited, क्योंकि मैंने भी कभी अच्छे से नहीं देखी है, शायद कभी बचपन में देखी हो तो याद नहीं, बट मैंने कभी अच्छे से बीटिंग रिट्रीट टीवी पे देखी है obviously, या फिर दूसरों की अब स्टोरीज पे ही देखी है। हाँ राइट, दूसरों की वीडियोस में या स्टोरीज पे देखी, बट खुद से नहीं देखी है, अपनी आंखों से नहीं देखी है जो आज देखी है लाइव। यस, और डेरा बाबा नानक भी जो करतारपुर साहब गुरुद्वारे के पास पड़ता है वो भी इसी रास्ते पे जाके आता है, उसका भी मतलब बोर्ड लगा हुआ था दैट वाज 50 किलोमीटर्स। तो वो वहाँ पे जो है हमारा एक तरह से कस्टम या इमिग्रेशन ऑफिस है इंडिया का, जैसे हमने जो वीडियो आप इसका लिंक शेयर कर देना जगह, हाँ उसमें सारी डिटेल्स हैं, तो वो एक इमिग्रेशन सेंटर है डेरा बाबा नानक से, वहाँ से फिर आप क्रॉस द बॉर्डर जाते हो, फिर वहाँ से आपको आगे की इन्फॉर्मेशन, फिर आगे आप करतारपुर साहब जाते हो। अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अंचल का लिंक शेयर कर देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा। तो हमने वहाँ उस रोड से लेफ्ट ले लिया था, अब से हमें ये रोड फॉलो करनी है, एंड यहाँ से सिर्फ 25 मिनट्स का रास्ता 25 किलोमीटर, मतलब कि रास्ता पूरा खुला खुला सा है, ये हाईवे एक्चुअली है जो बॉर्डर तक जाता है। अच्छा, जब हम लोग वहाँ जाते थे कोर्टयार्ड और मैरिड ये रास्ता आता तो था शायद, या फिर वाघा बॉर्डर वाला अटारी बॉर्डर, यहीं से हम अंदर चले जाते थे। राइट एग्जैक्टली, हम बार बार से निकल जाते थे जब कोर्टयार्ड जाते थे। लेकिन अब हम यहाँ पे रखेंगे स्पीड का ध्यान, पता भी नहीं चलता यहाँ पे स्पीड कहाँ लिखी होती है, कितनी है कितनी नहीं है, लेकिन हम टू भी ऑन द सेफर साइड 50 पर चला लें तो बेटर रहेगा। नहीं ये तो हाईवे है, पंजाब का हाईवे है, तो कह नहीं सकते कि 80-90 है या फिर 50-40 है, देखते हैं चलते हैं। तो मैं बता रही थी कि आपका वो लगता है, क्या लगता है, टोल लगता है 50 रुपीस का, क्योंकि फास्ट टैग से कटता है तो वो सिंगल जर्नी कटता है, बट अगर आप कैश दे, कैश भी क्या ही देंगे, कैश में तो फिर डबल ही, अब फास्ट टैग में भी वन एंड हाफ के हिसाब से कट जाता है। तो हम लोग ऑलमोस्ट अब आ गया, हमारा 1.5 किलोमीटर रह गया, ये स्ट्रेट रोड जो है जिस रोड पे अभी हम चल रहे हैं जो अमृतसर से आ रही है लाहौर तक जाती है, आगे इंटरनेशनल बॉर्डर स्टार्ट हो जाएगा, बट हमें जो ट्रक्स वगैरह हैं जो लोग वीज़ा वगैरह लेके जाते हैं वो यहीं से सीधा स्ट्रेट क्रॉस करते हैं, आगे
इमिग्रेशन पॉइंट है, वहाँ वीज़ा वगैरह चेक होता है, सब कुछ होता है, और यहाँ से लेफ्ट लेकर वो प्लेस आएगा जहाँ पर हम गाड़ी वगैरह पार्क करेंगे और अपना वहाँ सेरेमनी देखेंगे। स्ट्रेट है अटारी बॉर्डर, यहाँ से लेफ्ट है, वो आपको फ्लाइंग नहीं है, यहाँ से नहीं है। 110 मीटर बाद 30 मीटर बाद यही है लेफ्ट, आगे वो रास्ते वो वैसे ही रोक रहे हैं आगे। इस्लामाबाद 322 लाहौर 24 इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर 2 किलोमीटर। पापा आगे से भी यू-टर्न दिखा रहा है, ठीक है बेटा देखते हैं अभी आगे चलो। वो आगे इंडिया का फ्लैग दिख रहा है, धुंध है लेकिन दिख रहा है, कैमरा में नहीं दिख रहा, वहां दिख रहा है। हम बॉर्डर देखकर आ रहे हैं वापस अभी, जो अभी लेट सी जो पाकिस्तान से, वो शायद तुमने क्या डाला था इसमें, अटारी बॉर्डर, मेरे ख्याल सेरेमनी यही होती है, वो शायद उसकी इंटरनल लोकेशन दिखा रहा है। लेट्स सी अभी आगे जाके देखते हैं, एटलीस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर को क्लोज तो देख सकते हैं ना पास जाके, अगर हमें यू टर्न लेना भी हो तो। वैसे यही होगी पार्किंग वगैरह जो भी होगी, वो शायद हमने लोकेशन डाली थी, वो सिर्फ गाँव दिखा रहा हूँ मेन अटारी बॉर्डर, आगे पता चल जाएगा जो भी होगा। विल कम टू नो अबाउट दिस। ये जो ये दिख रहा है ना, ये फ्लैग है इंडिया का, पार्किंग यहाँ भी है। हाँ यहाँ से लेफ्ट है, दिस इज इंटीग्रेटेड। पूछ लो एक बार पोस्ट अटारी ये पार्किंग है, तुझे ये तो यही है जाने सर, नीचे एक पार्किंग क्यों आगे नहीं है पार्किंग, कहाँ से अगर जाना बॉर्डर देखने जाना, जाने दो सर आगे, फिर आगे भी तो गाड़ी जा रही है। नहीं सर इससे आगे पैदल जा सकते हैं, नहीं जाएगा जाने दो सर। अरे नहीं वो भी गाड़ी निकाल के आगे यू टर्न मार, आगे करो सर आगे, हां ठीक है कर लो आगे करो, कोई नहीं अंदर यहां पे खड़ी कर देते हैं। जबरदस्ती कर लग रहा है सौदा यहां पे तो भाई, पिछली बार तो आगे तक चले गए थे। चेकिंग तो होती करवा लेते, कौन सा हम कुछ सिकर। अरे फ्लैग कहाँ छुप गया, यहाँ से आपको वाटर बॉटल, पॉपकॉर्न, जूस बॉटल, चिप्स, क्लोथ मास्क, डिस्पोजेबल मास्क, फ्लैग्स, कैप्स सब और सबके चार्जेस दे रखे हैं, बट नॉमिनल है। बिग फ्लैग 100 रुपीज़ का, बाकी सब 10, 20, 30, 40, 50 का ही। और यहाँ पे भी वैले पार्किंग है, सो आप यहाँ पे भी कैब कार बुक कर सकते हैं, बुक कर सकते। ओह गॉड कैब और बुक। अनेरा इंडिया का फ्लैग कितना सही लग रहा है, हल्का बहुत स्लो मोशन में हिलता हुआ। गॉड दिस इज गुड। अंदर भी स्ट्रीट फूड अवेलेबल है, लेट्स होप टू हैव सम गुड यमी फूड ओवर हियर। रेस्टोरेंट है प्रॉपर, शाही किला I am loving this flag, जैसे वो हो रहा है ना, पूरा स्वर्ण हुआ है, मतलब बिल्कुल। यहाँ पे चाट कॉर्नर है, ये शाही साउथ इंडियन कॉर्नर है, रेस्टोरेंट में ही चलते हैं अंदर, डिफरेंट वेराइटीज मिल जाएगी। ये है शाली, शाली क्या हो गया, ओह यहाँ फोटो खिंचवा सकते हैं, नहीं खिंचवा सकते फोटो नहीं खिंचवा, मैं वो हो गई बड़ी, मैं उस पर बैठ के खेल नहीं सकती, तेरे को थोड़ी क्या है खेल। यहाँ से रेस्टोरेंट इज दिस साइड, चलो तो देख लेते ना बैठते हैं। एक बंदा इधर जा रहा है, एक बंदा इधर जा रहा है, तीसरी बंदी जाएगा मैं ये है इंडिया का फ्लैग और पीछे पाकिस्तान का फ्लैग। यहाँ पे जेंट्स की लाइन लगी है और ये भी लेडीज की लाइन।
वो उनके करते वो मुंडी पापा इधर ही आ रही है दूर से अगर दिख रहे हैं तो वो पापा वैसे दिख नहीं रहे हैं वो, और फ्लागो कितना क्लोज लग रहा है ना। हम लोग लाइन में और आगे बढ़ गए हैं चेकिंग के लिए, तो अब हम चेकिंग के लिए ही अंदर जा रहे हैं। वो है जेंट्स की लाइन, आगे से चलो आगे से। ये है इंडिया का फर्स्ट रेस्टोरेंट शाही किला, और चेकिंग करवा के आ गए अंदर। हम यहाँ से लेज ले सकते हैं, ले लेते हैं यहाँ आगे से, क्या पता। वेलकम टू JCP अटारी। ये पूरा अंदर का व्यू दिखा रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, और साइड में आपको व्यू पॉइंट भी मिल जाते हैं। मतलब पापा इज नॉट अ व्यू पॉइंट बट दैट्स एन एरोप्लेन। This is India's first line of defense. BSF Museum. वहाँ पे अभी दिख रहा होगा एरोप्लेन। तो हमने अपनी सीट ले ली है यहाँ पे। तो हमने अपनी सीट ले ली है, और यहाँ से इंडिया का बॉर्डर यहाँ पे, और वो रहा पाकिस्तान का बॉर्डर। पाकिस्तान का फ्लैग भी है गेट, इसमें दिख नहीं रहा है वो उनका पाकिस्तान का गेट है। मैं अब अपने फ़ोन से शूट करूँगी यहाँ से, इसमें क्लियरली दिखेगा नहीं, और जूम इन जूम आउट करना बहुत टफ हो जाता है GoPro में। वो वाला बिल्कुल खाली पड़ा है, क्योंकि जब तक ये नहीं भरेगा तब तक वहाँ पर नहीं जाने देंगे। अभी देखते हैं, जब शुरू होता है तब आपको भी दिखाते हैं।